टेलीविजन जिनका ये रूल रहा है कि हर शो में उनकी दो शादी होती है, पहले पति को ही मार देती है। प्लीज वेलकम विभा आनंद। विभा वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ये बात बदनाम कर दिया। देखो ये बात बताओ, ये आपके हर शो में आपकी दो शादी क्यों होती है? क्यों एक से खुश नहीं है? मैं दो से भी खुश नहीं हूँ। ये मर्दों का ही है वो। ये पता है, ये मर्दों का रूल होता है कि बॉस ये गलत है। ओके मेरा मुंह दर्द कर रहा है हंस हंस के, पता है इतना। मैं मुझे लगता नहीं मैं हफ्तों हफ्तों में महीनों में हंसी होंगी, बहुत मजा आया। ये एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हम मस्ती करते हैं, इट्स बेसिकली दो दोस्त जैसे बात करते हैं। एंड विभा बीन रियली नाइस। आज सुबह हम जब मिले थे तो हम अजनबी थे, नाउ वी कम मोर फ्रेंड्स। लाइक यू नो इट्स ऑल अबाउट वो चीज़ें जो दो दोस्त बिना कोई हिचकिचाहट के बात करें। दैट्स माय शो, दैट्स ब्रैट चैट। और इनका जादू है ये कि ये एक्चुअली सामने वाले को इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं ना कि आपको फील ही नहीं होगा कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, इसलिए हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। थैंक्स विभा, थैंक्स वेरी मच। हम वो सारे सवाल पूछते हैं जो माँ की शायद किसी कोने में था, जो इन्होंने किसी को कहा नहीं। तो वी जस्ट अबाउट स्पोकन अबाउट एवरीथिंग। या बस ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने, दैट्स रियली स्वीट ऑफ हर। अच्छा है कि यू नो शी सेड दैट। एंड इट्स रियली नाइस कि अब यू नो इस शो के जरिए हम बहुत सारे दोस्त बना रहे हैं और उस तरह हिंदुस्तान को हम ये बता रहे हैं कि हम जो स्क्रीन पर काम करते हैं उनकी दूसरी भी लाइफ है, वो भी कॉमन छोटी छोटी चाह रखते हैं। एंड वी रियली लाइक लिविंग द वे वी शुड। सी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे लगा भी नहीं कि मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर किया, बट वो सवाल नहीं थे, हम बातें कर रहे थे। और ऐसे कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ये पसंद है या ये नहीं पसंद है, मुझे सब पसंद है। आप पूछो सब कुछ, डिपेंड मेरे पे करता है मैं जवाब दूंगी कि नहीं दूंगी। नहीं यार, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस कम्फर्ट लेवल पर मेरा और विभा का कॉन्वर्जेशन हुआ, सुबह हम सोच रहे थे कि आगे बात क्या करें, अब पता नहीं चला कि हम ढाई तीन घंटे तक हम इतनी सारी बातें कर रहे थे। बहुत बातें करी। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल टाइम। सो विभा थैंक यू वेरी मच, सो मच फन। अडोरेबल पर्सन। देखो मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा। सो जब भी कुछ चीज़ें होंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यार। हम चाहते हैं कि सारी इंडस्ट्री आए हमारे शो पे। हमारी हमारा इकलौता ऐसा शो है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो इंडस्ट्री के हर शख्स को, टेलीविजन, मूवीज़, क्रिकेट, हर फील्ड से आएंगे और हम इंडिया और दुनिया को वो दूसरा साइड दिखाना चाहते हैं जो शायद कोई एक्सप्लोर नहीं करता, एंड वो भी एक अलग अंदाज में। एंड यू विल सी अ होल लॉट ऑफ पीपल क्रिकेटिंग फील्ड से, बॉलीवुड से, टेलीविजन से और हर जगह से। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल आई रियली विश वो यहाँ पर आए, क्योंकि इन्होंने ये मुझसे ही नहीं, इनके पहले एपिसोड में भी इन्होंने मेंशन किया था। और ये मैं चाहती हूँ प्लीज आप इनके लिए जरूर आए। सनी लियोनी प्लीज कम ऑन माय शो, वी लव यू, वी ऑल लव यू यार। She's very nice. Thank you.